एवरीवन वेलकम बैक टू माय वीडियो। आप लोग कैसे, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी अच्छी तरीके से होंगे फ्रेंड्स, और आप लोगों की गार्डनिंग भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स आजकल टेरेस पर बाहर ही बाहर है, देखिए सारे प्लांट्स में फ्लावरिंग हो चुकी है और कुछ थोड़े बहुत अभी क्रिसेंथेमम खिलने को बाकी हैं और कुछ प्लांट्स फ्रेंड्स ड्राई होने लगे हैं। इनको फ्रेंड्स अगर ज़्यादा धूप लगेगी खिलने के बाद में तो ये प्लांट्स ड्राई होने लगते हैं, इसलिए इसको सेमी शेड में अगर रखते हैं तो कुछ दिनों तक ये प्लांट हमारे चलेंगे। तो मेरे प्लांट्स फ्रेंड्स कुछ फुल सनलाइट में रखे हुए हैं और कुछ को मैं सेमी शेड में मैंने रखा हुआ है। तो वो प्लांट्स जो है फ्रेंड्स अभी देखिए चल रहे हैं, ये देखिए फ्रेंड्स जो प्लांट्स सेमी शेड में रखे हैं वो प्लांट्स फ्रेंड्स अभी ये चल रहे हैं, और जो फुल सनलाइट में रखे हैं वो प्लांट जो है फ्रेंड्स ये सूख रहे हैं। ये क्रिसेंथेमम फ्रेंड्स खिलने के बाद में काफ़ी दिनों तक इसके फ्लावर रहते हैं, लेकिन फुल सनलाइट में इसके फ्लावर जो हैं बहुत जल्दी जो है फ्रेंड्स मुरझाने लगते हैं। तो फिर बहुत ही अफसोस होता है फ्रेंड्स खिलते हुए फ्लावर को देखना और उसके बाद में मुरझाना, बहुत ही अजीब सा लगता है। अब इन प्लांट्स को जो फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स सूख रहे हैं, उनकी ये इसको काट देंगे तो ये एक बार फरवरी में ये देखिए फिर से इसमें ब्रांचेस आएंगी और ये फ्लावरिंग देने लगेंगे ये। और ये कलंचू में भी ये देखिए फ्रेंड्स, ये देसी वाला कलंचू है, इसमें भी ये देखिए ये फ्लावर आ रहे हैं। ये काफ़ी लेट हो गया है इस बार। और फ्रेंड्स ये तो मैंने आपको दिखाया है, देखिए मेरे सारे डहलिया वो सिंगल पेटल के हो गए हैं, और जबकि मैंने बड़ी डहलिया उससे मांगा था नर्सरी वाले भैया से, इस बार फ्रेंड्स मेरे सारे डहलिया के प्लांट जो हैं सब सिंगल पेटल में हो गए हैं। खैर कोई बात नहीं फ्रेंड्स, अभी मैं देखती हूँ। और ये शायद फ्रेंड्स ये बड़ा डहलिया शायद हो रहा है, क्योंकि देखिए इसका प्लांट जो है ये अभी छोटा है, एक ही साथ लगाया था, लेकिन ये देखिए इसकी ग्रोथ कम हो रही है। और ये प्लांट्स इतनी तेज़ी से फ्रेंड्स बड़े हैं और सारे सिंगल पेटल के हैं। और ये फ्रेंड्स बोगनवेलिया में भी मेरे फ्लावरिंग आ रही है, ये देखिए सारी बोगनवेलिया में, ये देखिए ऐसे फ्रेंड्स ये मेरा गार्डन इधर ये दिखाई दे रहा है इस तरह से। जगह की फ्रेंड्स शॉर्टेज हो गई है रूम के बन जाने से, फिर भी मैं सारे प्लांट्स को एडजस्ट कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स इधर ये सारे प्लांट्स, इधर ये थूजा का प्लांट देखिए फ्रेंड्स कितना बुशी और हो गया है ये, इधर मेरे सारे साइकस है, और इधर सारे मैंने इंडोर प्लांट्स फ्रेंड्स ये रखे हुए हैं, क्योंकि इनको पानी की कम ज़रूरत होती है, तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने एक साथ में रखा हुआ है कि मुझे याद रहे कि मुझे कब इसमें पानी डालना है। ये कोलियस देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत हो रहा है, ये भी डहलिया फ्रेंड्स देखिए सिंगल पेटल का हो गया है, सारे प्लांट्स मेरे सिंगल पेटल के निकल आए हैं और सब कितने बड़े बड़े हो गए हैं। ये इधर देखिए फ्रेंड्स सारे सीजनल प्लांट्स जो हैं ये खिले हैं, ये देखिए फ्रेंड्स ये पिटूनिया कितना खूबसूरत लग रहा है, इसमें कितने फ्लावरिंग हुई है। बीच बीच में फ्रेंड्स इसमें लिक्विड मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र मैं डाल रही हूँ, और सबकी देखिए फ्रेंड्स फ्लावरिंग कितनी अच्छी हो रही है। ये देखिए फ्रेंड्स ये मैरीगोल्ड,
ये कैलेंडुला का भी एक फ्लावर आज खिला हुआ है, और ये जरबेरा, ये गजानिया, और ये डैंथस, ये देखिए पेट्स, और सब में ये कितनी फ्लावरिंग है। ये सारे मेरे सीजनल प्लांट है फ्रेंड्स, इधर ये, और ये डॉग फ्लावर, ये फ्रेंड्स एस्टेट, देखिए इसका कलर भी कितना खूबसूरत है ये, और ये भी कितना खूबसूरत है ये, ये फ्रेंड पैंजी, और ये रोज, देसी रोज, देखिए फ्रेंड्स कितने सारे खिले हुए हैं ये देखिए। इनकी बात ही कुछ और है फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग देते हैं ये, अगर इनकी थोड़ी सी देखभाल की जाए तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग देते हैं। ये पिंक रोज़ भी मेरा देखिए कल तक में खिल जाएगा ये। ये कनेर में भी फ्रेंड्स फिर से ये देखिए कलियां आना शुरू हो गई हैं, ये देखिए अंदर अंदर बहुत ही खूबसूरत इसके भी प्लांट लगते हैं। और ये ब्रॉड बीन्स, ये देखिए कितनी बड़ी हो गई है। थोड़ा सा कोशिश करके फ्रेंड्स अपने टेरेस पे किचन गार्डन भी बना सकते हैं। ये देखिए इसके फ्लावर भी कितने खूबसूरत हैं। इसको मैंने एक रस्सी बांध करके ऊपर की तरफ ये चढ़ाया हुआ है, और ये देखिए इसमें कितनी सारी ये सेम लगी हुई हैं। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हैप्पी गार्डनिंग।